देखिए फूल तो मेरे ख्याल में जो पौधे का जीवन है उसका वो जवानी का रूप है ना। जैसे आदमी जब जवान होता है तो उसकी अलग ही फ्रेग्रेंस होती है। कोई भी चीज़ जब जवान होती है तो वो अट्रैक्ट करती है एक अलग उससे दूसरे अपने साथी को। तो फूल जो है वो वही प्रेम की चीज़ है, वो उस पौधे का सबसे सुंदरतम रूप है, सबसे ताकतवर रूप है, वो हमें अच्छा लगता है और वो आदमी के अंदर भी प्रेम भरता है। और मेरी जो इच्छा है, मेरी व्यक्तिगत जो इच्छा है वो ये है कि मेरे पूरे देश में फूल हो और मेरे देश में नेगेटिविटी से बहुत कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, एक तो ये है। और दूसरा जो मेरा पिछले 15-16 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जहाँ आपने सीजनल लगाया है उसमें अगर आपने पेड़ रोपा है तो वो पेड़ मरेगा नहीं, वो पेड़ 100% जिंदा होगा। नमस्कार, हम हैं हरियाणा के करनाल ज़िला खंड इंद्री के गांव ननहेड़ा की राजकीय प्राथमिक पाठशाला, जिसे अब राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला के नाम से भी जाना जाने लगा है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रामजी जैमल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हरियाणा ही नहीं, उत्तरी भारत में और जगह जगह इन्होंने फूल रोपने का, फूलों के बीज एकत्रित करने का जो मुहिम चला रखी है, उस मुहिम के कारण ये फ्लावर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। आज यहाँ पे ये आए थे, जो यहाँ फूल लगे हुए हैं, ये पाठशाला एक ऐसी पाठशाला बन चुकी है जहाँ विभिन्न प्रजातियों के पौधे और फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं फूलों को। तो डॉक्टर रामजी जैमल जी यहाँ पे आज आए हुए हैं अपने फूलों को देखने के लिए, और आगामी सीज़न जो है उसके फूलों के बीज रोपने के लिए, बीज डालने के लिए। तो हम डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आज के पहले तो इस जो आगमन है, आप निगदू भी गए हैं जी गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जी, जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज का जो ध्येय रहा है, जो पूरा कार्य रहा है आज का। दो इस जो करनाल आने के दो कारण थे, एक तो जो पिछले सीजन का हमने सीजनल लगाया हुआ है उसका बीज कैसे कलेक्ट करें, कब उसका बीज काटा जाए, उसकी जानकारी देनी थी। और दूसरा जो अगले सीज़न के लिए हमने पौधे जो बिजाई करनी है वो था। तो वो दो जगह पे हमने बिजाई की है, निगदू स्कूल में और आईजी रेजिडेंस पे। और मेन जो मकसद था वो सीड कलेक्शन का था कि जहाँ भी फूल लगे हैं वो सीड कलेक्ट करें और सबको जानकारी हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से भी सब साथियों को बताना चाहूँगा कि उसमें दो तरह के बीज हम मान सकते हैं। एक तो वो बीज जो हमें हरे पौधे से ही काटने हैं, हरे पौधे पे जब वो बीज पक जाएं तब हमें उन्हें काट लेना है। उनमें एक तो पेंजी है, कॉस्मोस है, शास्ता डेजी है, डेजी है। ये ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर अगर पक गया है बीज तो वो आपको काटना पड़ेगा, नहीं तो वो बीज गिर जाएगा। इन सब में ही ऐसा है, आपको जब ध्यान करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे पेंजी है, पेंजी का फूल जब फूल झड़ जाएगा तो डोडी बनेगी और डोडी फिर फूल की तरह खिल जाएगी, यानी बीज का फूल खिलेगा। जब बीज का फूल खिल जाए तो उस बीज को ऊपर से पकड़िए और जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है डाली जी, वहाँ से काट के और एज इट इज उसको रख लीजिए, ताकि उसके साथ जो डंडी है वो धीरे धीरे सूखे और उसमें से ताकत लेके उसमें जो बीज कच्चा है वो पक जाए। अच्छा, ऐसे ही कॉस्मोस है, कॉस्मोस का भी बीज जब पक जाता है तो फिर से बीज का फूल बन जाता है जी। तब उसकी डंडी जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वहाँ से काट के और वैसे डंडी समेत रख लीजिए और धीरे धीरे उसको सूखने दीजिए। ऐसे हम डेलिया का भी कुछ कुछ बीज काट सकते हैं, लेकिन डेलिया का बीज काफ़ी दिन रह जाता है। या जैसे
गुला शरफी है, कैलेंडुला है, उसका बीज भी खड़ा रहेगा, वो चाहे पक गया है लेकिन बहुत जल्दी झड़ता नहीं, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ध्यान करने की, लेकिन ये झड़ जाएंगे। डेजी है, शास्ता डेजी है, उसकी अगर आप थोड़ी सी भी वेट करेंगे तो फिर आपको बीज नहीं मिलेगा, बीज आपका नीचे झड़ जाएगा। तो उन बीजों को कलेक्ट करना है और डंडी समेत काटना है। मेन इसमें यही रखना है कि डंडी जब नीचे से हमें सूखना स्टार्ट हो जाए तब उसको काट के रख लीजिए और उसको पकने दीजिए। फिर उसको ऐसे ही सब जो हैं, जैसे बाकी हैं जो फली वाले हैं, आपका वाल फ्लावर है, स्टॉक है या शेष जो भी हैं जी, उनको हमें पकने देना है, या आपकी आइस है, वो पूरा पौधा जब सूख जाएगा, पूरा पका हुआ आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल पौधा सूख रहा है, तो जड़ समेत एक बार निकालिए और निकाल के रख लीजिए। फिर उसमें जो थोड़ा बहुत कच्चापन होगा, जब तक वो पूरा पौधा सूखेगा उसमें थोड़ी बहुत ताकत रहती है, तो वो बीज बिल्कुल पका हुआ आपको मिलेगा। फिर उसमें से बीज हम अलग करेंगे, और बीज अलग करने के बाद इसमें एक गजेनिया, एक ऐसा है गजेनिया है, या जैसे आपका टिडी टिप्स है जी। ये ऐसे हैं, अगर उनको हम गजेनिया जब फूल सूख जाएगा उसके बाद डोडी बनेगी, और डोडी में से पौधा उसको बाहर फेंक देगा उड़ने के लिए, भूंड उसको कहते हैं, भूंड टाइप का बनेगा, उसके साथ एक उड़ने के लिए वो बनेगा और वो जो है आपके वातावरण में उड़ जाएगा। जब वो पौधा उसको फेंकेगा तब आपने उसको कलेक्ट करना है, उसको उड़ने नहीं देना है। ऐसे ही थ्री टिप्स है, उसका भी आपको फूल जब झड़ जाएगा तो उसके ऊपर एक गोल बॉल आपको दिखाई देगी, जब वो पक जाएगा तो बॉल बन जाएगी एक, तो उस बॉल को आपने वैसे ही पकड़ लेना है, जैसे आँक में भूंड होता है उसका पकने के बाद वो अपने आप उड़ता रहता है, वैसे ही ये सारे उड़ने वाले हैं। ऐसे ही शोवे ईवर लास्टिंग है, शोवे ईवर लास्टिंग का जितना बड़ा फूल हमारा पीले रंग का खिला उससे बड़ा बीज का फूल बनेगा, यानी जो फूल था उससे बड़ा बीज का फिर फूल बनेगा। अच्छा, जब बीज पक जाएगा बड़ी डोडी हो जाएगी, और डोडी में से फिर डोडी खिल जाएगी, बीज खिल जाएगा जी। तब उसको पूरा पौधा सूखा है तो नहीं, अगर कम सूखा है तो जो पक गया उसको नीचे से काट के रख लीजिए, उसको उड़ने मत दें। फिर जब आपका बीज पूरा आपको लगे कि बिल्कुल सूख गया पौधा, ड्राई हो गया उसका, जो जहाँ से भी आपने रखा, जड़ समेत रखा है, जहाँ से भी रखा, जब बिल्कुल ड्राई हो जाए तब उनमें से आप अपना बीज निकालिए। बीज निकालने के बाद फिर भी हमें उन्हें 2-3 दिन तक सुखाना है, पूरा सूखा हुआ दिखेगा आपको लेकिन फिर भी हमें उसको सुखाना है, 2-4 दिन उसको सुखाइए, और सुखाने के बाद फिर स्टोर कीजिए जी। ये है कि उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की सीलन, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, तब आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो आज का जो आने का एक मुख्य एजेंडा था बीज संग्रहण जी का कैंपेन, वैसे तो एक बार हम पहले बता गए थे जी, जी। लेकिन ज्यादा लोग उसमें केवल अध्यापक ही थे या पुलिस विभाग से थोड़े लोग थे, तो एक हम सब लोगों को अपनी तरफ से तो ट्रेन कर गए थे लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सवाल थे और बहुत लोग आए भी नहीं थे। और दूसरा ये था कि इस सीजन की जो थी बिजाई करनी थी, देखिए सब लोगों के लिए तो हमारे पास अगले सीजन का पर्याप्त सीड नहीं है कि हम जैसे इस मौसम का बांटते हैं, यानी जैसे हम अगस्त से लेकर और दिसंबर तक बांट पाते हैं वैसे हम इसको नहीं बांट पाते हैं, हमारे पास कम बीज है अभी। तो लेकिन जो लोग जुड़े हैं और जो लोग उस स्टेज पे चले गए कि 2-3 सालों से उसको उनको पूरा पता लग गया है कि कैसे पौधा लगाना है, कैसे उसका सीड कलेक्ट करना है, तो वहाँ वहाँ हम थोड़ा थोड़ा बीज रहें, तो वो 5-10 लोग एक एक जगह से या 10-20 लोग जो हैं वहाँ से कलेक्ट करके अपने अपने यहाँ लगा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये दोनों काम मैं हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से उन साथियों को जिन्होंने दिसंबर के आसपास, जनवरी के आसपास भी पौध लगाई थी जी, जी। और आज वो फूल खूब खिले हुए हैं जी, स्कूलों के अंदर बहार आई हुई है जी, जी, बिल्कुल। और वो बड़े प्रसन्नचित हैं, जिस तरीके का फूल का इफेक्ट है जी। मन पे और तन पे और पूरे वातावरण पे जी, जी। जो प्रभाव है उसको एंजॉय कर रहे हैं, सभी आनंदित हैं खूब जी, जी। लेकिन ये जो अभियान है ये एक सीज़न का अभियान नहीं है, और एक सीज़न पे आकर के ठहर जाना नहीं है। डॉक्टर साहब का यहाँ जो आने का एक मकसद के ये अभियान निरंतरता में जारी रहे, फूलों के साथ, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता वो जीवंत बना रहे और वो आगे बढ़े, और इस
रिश्ते को हम ज़्यादा और ज़्यादा आगे लेकर के जाएं, और इस जो ये कार्य है प्रकृति के साथ, प्रकृति के संरक्षण का फूलों के ज़रिए, वो आगे निरंतर बढ़ता रहे। तो बीज का संग्रह करना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि अगले वर्ष भी हम उसी तरह से अपने हम निर्भर ना रहें, हम आत्मनिर्भर हो जाएं। आत्मनिर्भर अभियान भारत चला हुआ है, तो ये आत्मनिर्भर पुष्प अभियान हमें लगता है। तो ये इस जो बीज संग्रहित किया जा रहा है, आपने जो बताया कि उसको किस तरह से संग्रहित करें, एक तो आपने अलग अलग फूलों के बारे में जानकारी दी, उसको कहाँ पे किस जगह में रखना है, किस डिब्बे में, बॉक्स में, या वो यहाँ सेंट्रल एक जो आपके पास जो एक बीज बैंक आपका बहुत बड़ा बैंक है, अरबों, मैं साथियों को सूचना देना चाहता हूँ कि अरबों की संख्या में फूल बीज डाले गए, और खरबों, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है फूलों की, कितनी कितने फूल खिले होंगे और कितने खिले हुए हैं। तो किस तरह से और थोड़ा सा इसका डिटेल जो है ना बीज संग्रहण की, कि आप तक वो या कहीं एक जगह पे एकत्रित कर लिया जाए, या वो पूरे तौर पे आत्मनिर्भर हो करके अपनी जगह पे जहाँ भी उन्होंने फूल लगाए हैं जी जी, वो हो जाए, किस तरीके से आप इसे ऐसा है हैं? दोनों ही किया जा सकता है। अगर हम ये समझते हैं कि हमें बिजाई करना आ गया है जी, तो आप अपने पास ही रख सकते हैं उसको, ऐसे डिब्बे में पूरा सुखा के बंद करके रख लीजिए, उसमें दोबारा मॉइस्चर ना जाए, और प्रयास कीजिए कि जब एक सीज़न के बाद उसको फिर से खोल के थोड़ा सुखाना पड़ेगा आपको। अच्छा, दोबारा भी आप सुखा सकते हैं उसको, जब मॉइस्चर हमारे यहाँ होता है तो उसके बाद दोबारा भी उसको सुखाना पड़ेगा। और जब डिब्बा किस तरीके का, लोहे का, प्लास्टिक का, धातु का, प्लास्टिक का डिब्बा, प्लास्टिक का डिब्बा आप अच्छा यूज़ कीजिए और उसको बंद करके आप रख दीजिए। वैसे तो किसी तरह से भी संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का डिब्बा ज्यादा हमें सस्ता उपलब्ध है आजकल और आसान भी है, पारदर्शी भी होता है, उसमें यदि नमी वगैरह आती है तो वो दिखाई भी दे जाती है। लेकिन नमी आ जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, नमी तक पहुंचना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, नमी तक पहुंचना नहीं, दिखाई देने वाली नमी आ गई तो फिर बीज बचेगा नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक। तो बीज को आपको बिल्कुल सुखाना है। दूसरा, जहां हम बात कर रहे थे कि उसको आप अपने पास रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि हम उसको बिजाई कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन में, सितंबर में या अक्टूबर में, जब भी आप बीजना चाहें, तो अगर आप उसको खुद बिजाई कर सकते हैं तो अपने पास रखिए, ठीक है। और अगली बार जब 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला जाए, 25 और 30 के बीच में टेम्परेचर चला जाए, तो उस टाइम आप बिजाई कर सकते हैं। बिजाई के लिए भी हम उपलब्ध रहेंगे, करनाल में हम बहुत जगह पे अगली बार बीजेंगे, इस बार भी बहुत जगह पे बीजा था, 9 जगह पे था करनाल में, अगली बार भी बीजेंगे। तो जो साथी इस बार बीज बना लेंगे, वो अगर वो चाहेंगे कि हम उनकी मदद करें, तो हम अगली बार उनको बिजाई करवाएंगे, और सब लोग उसको बांटने का प्रयास करें, उसको अपने तक सीमित ना रखें, जैसे हमने उनको दिया ऐसे ही और लोगों को दें, बिल्कुल सुखा के पूरी तरह ड्राई हो जाए जी। हम जब बहुत तेज़ 45 डिग्री जब रहता है ना, तब तो थोड़ा दोपहर का हम ध्यान रख सकते हैं, 45 से अबाव जाएगा तो थोड़ा सा बीज पे इफेक्ट करेगा वो, कंटिन्यू अगर उसमें रहेगा तो ठीक। और वैसे पात्र में हम उसको अगर सुखाते हैं कि वो पात्र बहुत गर्म ना हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी जी। लेकिन ऐसे पात्र में अगर हम सुखाते हैं कि वो पात्र भी गर्म हो जाए, 45 डिग्री पे चला जाए, तो नीचे का जो है वो उसमें गड़बड़ कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल ड्राई करना है उसको, 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसको सुखाइए, और दूसरी बार जब वर्षा ऋतु के बाद जैसे ही हमें समय मिले तुरंत उसको सुखा देना, दोबारा से बाहर निकाल के दोबारा से सुखा दीजिए। और फिर जब आपका एरिया का टेम्परेचर 25 और 30 डिग्री के बीच में आता है, चाहे वो सितंबर में आ जाए, चाहे आपका अगस्त के लास्ट में आ जाए, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक, जहाँ भी 25 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर आएगा, वहाँ पर हमें उसको बिजाई करनी है। और बिजाई के लिए मूल मंत्र ये है कि जितना मोटा बीज है उस पर उतनी ही मोटी मिट्टी की परत हो, बीज आपका उग जाएगा। अगर आपका बीज के अंदर ताकत है, जान है, जीवित है बीज, तो वो बीज आपका उग जाएगा। बीज उगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मेरा तो यही सब लोगों से निवेदन है कि आप बीज अपने पास रखें और नेक्स्ट टाइम उसको खुद बिजाई करने का प्रयास करें। आपको लगे कि 1% हम खुद बिजाई नहीं कर पा रहे तो हमसे संपर्क करें। दूसरी बात, अगर आप वापस देना चाहते हैं तो करनाल में कहीं भी हम एक जगह पर रख सकते हैं, खेड़ा जी के पास भी रख सकते हैं,
या बहुत सारे सब लोग आपस में एक दूसरे के जान पहचान के हो गए हैं, तो हम आपस में बात कर सकते हैं, या आप मेरा नंबर भी फ्लैश कर सकते हैं, मेरे को फ़ोन कर देंगे, फिर उसको जहाँ भी होगा हम एडजस्ट कर लेंगे कि वहाँ रख दीजिए, वहाँ से हम ले लेंगे। ठीक है। लेकिन सीड कलेक्शन, बीज को इकट्ठा करना एक बड़ा चैलेंज है और इससे आदमी डरता है। डरना नहीं है, देखिए हमें अगर देश बदलना है, है ना, हमें अगर फूल सुंदर लगे हैं और हमारा सपना है कि हमारा देश अच्छा हो, तो फूल उसमें बहुत बड़ा सहायक होगा। बिल्कुल। और उसके लिए हमें इतना तो करना ही होगा, इतना पेन तो हमें लेना ही होगा जी, है ना, कि हम बीज कलेक्ट करें, बीज कलेक्ट करें। ये मुहिम को बहुत बढ़िया, देखिए करनाल में खेड़ा जी बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, मैडम भारती अरोड़ा जी बहुत सालों से, पौधे वहाँ से तो आ रहे थे लेकिन इस बार बिजाई हमने यहाँ की तो परिणाम कुछ अलग है। बिल्कुल। मैंने देखा है विजिट करके बहुत सारे स्कूल कॉलेज, और देखिए पुलिस विभाग में इतने फूल खिले हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ भी इतने फूल हो सकते हैं। ठीक ठीक, है ना। तो हमने बिजाई की तो परिणाम ये है, अगर आप लोग खुद बीजेंगे तो एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। ठीक बात। तो प्रयास यही होना चाहिए कि हम अगली बार हम ये करें कि हम करनाल से बाहर दें क्षेत्र में, इस बार हमने बिजाई नहीं की यहाँ से ले जाके या सिरसा से ला के बांटा जी, तो अगली बार करनाल से जाके कुरुक्षेत्र में बटे, करनाल से जाके यमुनानगर में बटे। ठीक। यमुनानगर हमने जेल में लगाया था तो वहाँ भी मतलब हम लोग नहीं बांट पाए थे क्योंकि जेल का कुछ इस तरह का रहता, उन्होंने जो बांटा बांटा लेकिन बहुत नहीं बट पाया वहाँ। करनाल जैसे परिणाम वहाँ नहीं है जी जी जी, करनाल में अच्छे परिणाम है क्योंकि हमने अलग अलग स्कूलों में लगाया था। और जब हमारे साथी यहाँ से इस बार लगभग आप मान के चलिए कि 150 स्कूल्स में है, और 150 के यहाँ अगर एक एक वैरायटी भी होती है तो आप ये मान के चलिए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ये बीजों के संग्रहण के अभियान को, इस काम को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। सभी साथी इस बारे में सजग रहें जिन्होंने फूल लगा रखे हैं कि वो बीजों को संग्रहित करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने आज नए आने वाले गर्मी के मौसम के फूल रोपे हैं जी, जी। तो उनका एक परिचय हमें हमारे दर्शकों को ज़रूर के गर्मी में कौन कौन से फूल होते हैं। इस बार ये अवेयरनेस आई है कि जो सर्दियों के फूल हैं ना उनके बहुत लोगों को नाम पता है जी, जी, जी। थोड़ा थोड़ा सभी जो, को जो पता लगे हैं। और करनाल में जो बिजाई की है उनमें जीनिया है, बहुत सारे अलग अलग कलर्स में बीजा है, रेड वाइट जी जीनिया। अच्छा, वो अलग अलग रंगों में हमारे पास कलेक्शन थी तो वो अलग अलग रंगों का अलग अलग बीजा है। जीनिया है, बालसम है, कोचिया है, टिटोनिया है, कॉक्सकॉम है, सूरजमुखी आपका सनफ्लावर है, बहुत सारी वैरायटी बीजी हैं। इस सीज़न में भी काफ़ी सारी वैरायटी है लेकिन 15-17 वैरायटी हमने यहाँ पे बीजी है इस बार। अच्छा अच्छा जी। कहाँ कहाँ लगाए हैं? यहाँ पे दो ही जगह पे है, ननहेड़ा और आईजी रेजिडेंस पे। अच्छा जी। और आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो काम है आप तो पूरा आनंद लेते हैं इसका जी, और हम भी आनंद लेने लगे हैं जी, जी। और बहुत सारे साथी भी इसके साथ एक रिश्ता बना है जी, तो साथियों को और क्या कहना चाहेंगे? देखिए फूल तो मेरे ख्याल में जो पौधे का जीवन है उसका वो जवानी का रूप है, है ना। जैसे आदमी जब जवान होता है तो उसकी अलग ही फ्रेग्रेंस होती है। कोई भी चीज़ जब जवान होती है तो वो अट्रैक्ट करती है एक अलग उससे दूसरे अपने साथी को। तो फूल जो है वो वही प्रेम की चीज है, वो उस पौधे का सबसे सुंदरतम रूप है, सबसे ताकतवर रूप है, वो हमें अच्छा लगता है और वो आदमी के अंदर भी प्रेम भरता है। और मेरी जो इच्छा है, मेरी व्यक्तिगत जो इच्छा है वो ये है कि मेरे पूरे देश में फूल हो और मेरे देश में नेगेटिविटी से बहुत कम हो जाएगी जी। बिल्कुल। एक तो ये है, और दूसरा जो मेरा पिछले 15-16 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जहाँ आपने सीजनल लगाया है उसमें अगर आपने पेड़ रोपा है तो वो पेड़ मरेगा नहीं, वो पेड़ 100% जिंदा होगा। तो करनाल में इस मुहिम को हम इस बार शुरू नहीं कर पाए, हम अगले साल से प्रयास करेंगे। हमारे साथी महेंद्र खेड़ा जी हैं या जितने भी साथी इस बार नए सिरे से जुड़े हैं, कहरबा जी तो खेड़ा जी तो पुराने हैं लेकिन अब बिल्कुल अंदर से जुड़ गए हमारे साथों, तो हम चाहेंगे कि हमारे पास जितनी खाली जगह पड़ी है, जैसे हमारे यहाँ शमशान घाट है, बहुत सारी जगह हमारे पास खाली पड़ी है, तो वहाँ पे हम सीजनल के साथ पेड़ लगाएं, सीजनल के अंदर पेड़ लगाएं कि सीजनल
रोज बदलता हमें दिखता रहे, उसके सुंदर फूल हमें दिखेंगे, हमें उसकी सेवा करेंगे, उसी सेवा में हमारा पेड़ हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हमें सिलेंडर वाली तो नहीं प्रयोग कर पाएगा हमारा देश ना, और एकदम से जब कमी होगी तो फिर हम एकदम से पेड़ भी नहीं उगा पाएंगे। इसलिए जो लोग अवेयर हैं, जो लोग जिंदा हैं, उनको चाहिए कि वो कम से कम उन स्थानों का जो खाली पड़े हैं उनको तो अपने हिसाब से ढाल ही लें। धीरे धीरे समाज भी बदल आएगा, तो हमें वो प्रयास अगले साल करना है कि कम से कम शमशान घाट हैं, कब्रिस्तान हैं, या गौशालाओं की जगह पड़ी है, या कोई श्यामलाट है, गोचरण है, या जोड़ों के किनारे हैं, स्कूलों की जगह है, जहाँ भी हमें खाली जगह दिखती है वहाँ हम इन फूलों के सहारे पेड़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो ये प्रयास हम अगले साल से करेंगे। और मैं निवेदन करूँगा सबसे, है ना, जो भी पेड़ लगा सकता हो किसी भी तरह से, हमें पेड़ लगाने चाहिए। पैसा हमारी अगली पीढ़ी तक जाता है, कुछ हद तक पैसा ज़रूरी भी है, लेकिन श्वास हमारे जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी श्वास है, और श्वास जो हमें देगा वो पेड़ ही देगा। तो हम समंदर से बहुत दूर हैं, हमें पेड़ का ही आसरा है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, तभी आने वाली पीढ़ियाँ हमारी सुख का सांस ले पाएंगी। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। इस फूलों के अभियान के बहुत आयाम हैं, और फूलों की सुंदरता सकारात्मकता का संदेश देती है, सकारात्मकता भरती है, नकारात्मकता को समाप्त करती है, और पर्यावरण के व्यापक हित के लिए फूलों के भीतर यदि पेड़ लगाए जाएं तो वो पेड़ सुरक्षित रहेंगे, उनकी देखरेख होगी, उन्हें पानी मिलेगा, तो ये काम और महत्वपूर्ण है। एक आयाम जो इसका, इस फूलों के अभियान का, क्योंकि ये स्कूलों में बहुत लगाए गए हैं और अध्यापकों ने इस काम को किया है, एक आयाम इसका शैक्षिक आयाम है इस अभियान का, और हमारे अध्यापक जब अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे और तरह तरह के सामाजिक मंचों पे बच्चों के साथ में फ़ोटो डालते हैं तो एक बड़ी उम्मीद जागती है, जिस अनुभव से संभवतः बहुत सारे लोग वंचित रहे होंगे, और महानगरीय सभ्यता के अंदर उस अनुभव से बिल्कुल एकदम अनभिज्ञता, अज्ञानता पसरी हुई है। हमारे बच्चे फूल के पौधे को उगता हुआ देखते हैं, फूल उगता, कलियां, कलियों से, ये सब विज्ञान साहित्य के अंदर ये सब चीज़ें समाई हुई हैं। तो ये जो शैक्षिक आयाम है, इस पे आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गजब की चीज़ है। आपने सही कहा कि शमशान में भी होने चाहिए और जगह जो खाली हैं, लेकिन स्कूल में फूल का होना तो कमाल का अनुभव प्रदान। स्कूल में दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा भविष्य स्कूल में है, बच्चा ही तो आगे जाएगा ना। जी जी, हम तो अपना जो करने वाला था कर चुके, बच्चा ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सब कुछ है, या आने वाले समय के लिए सब कुछ है। स्कूल में फूल लगाने का मतलब यही है कि उस बच्चे में बीज बीजना, उस बच्चे के अगर हम बीज रोपित कर पाए और उसको वो समझ आ जाए तो फिर आने वाला जो समय है वो हमारा सुरक्षित है, आने वाला समय जो है वो हमारा अच्छा है। हम इसीलिए स्कूल में सबसे पहले प्रयास करते हैं कि उस बच्चे के अंदर एक मास्टर, हमारे देश को जब भी बदलेगा गुरु ही बदलेगा, अध्यापक ही बदलेगा, जब भी बदलाव आएगा अध्यापक ही ला पाएगा। और फूल या कोई भी बीज, चाहे वो विचार का बीज है, चाहे वो किसी पेड़ पर, जो भी आपको बीजना है वो बच्चे में ही बीज पाएंगे, तभी कभी ना कभी वो वृक्ष बन पाएगा, नहीं तो ठीक है चल रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, ये पूरे अनुभव हमारे सब साथियों के काम आएंगे, और ये अनुभव बहुत शेयर किए जाएंगे ताकि ये सारा संदेश जहाँ जहाँ फूल लगे हुए हैं हमारे प्रदेश में लगे हुए हैं, और आसपास के राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब,
दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान आदि आदि जहाँ भी मतलब ये फूल लगे हुए हैं और ये संदेश फैले, इसी कामना के साथ बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब।